Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy. और जैसे आप देख रहे हैं मैं देहरादून में हूँ एंड वर्कशॉप में हूँ एंड प्रैक्टिकली एक साल के बाद ही यू नो रीअपीयर हुआ हूँ, दोबारा से अपीयरेंस। तो ये एक साल जो है वो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी स्टडीज में लगा रहा और अभी भी लगा हुआ हूँ, वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन इस एक साल के दौरान में ये तो है नहीं कि मेरा जो कम्युनिकेशन है टेक्नीशियन से टूट गया था, या जो मेरा जो कम्युनिकेशन है, जो कौन से टूल्स हैं मार्केट में उसके बारे में मेरे को इल्म नहीं था या इल्म नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं एक साल का लेता हूं, मैं डेढ़ साल का भी लेता हूं, तो हम लोग क्या देखते हैं। और ये आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए है, दो तरीके के, मतलब जो दो कैटेगरीज के हैं, कि एक जिन्होंने 2020, 2019, 20, यू नो मे बी 21 में जो स्कैनर लिए और वो अपग्रेड को देख रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे जो टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने मे बी थिंक डायग यूज कर रहे हैं, वो छोटा वाला डोंगल, ईवी डायग, व्हाटएवर, और वो अपने आपको अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार अपने लिए एक अच्छा स्कैनर लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द होल पॉइंट इज, सबसे बड़ी बात ये है कि, और ये मेरे पास बहुत सारे यू नो व्हाट्सएप पे हमारी बातचीत होती रहती थी, कि सबने ये पूछा कि अमित भाई क्या करें, और मतलब कौन सा स्कैनर लिया जाए। अब बात ये है कि किसी भी स्कैनर की मेरे ख्याल से, चाहे वो लॉन्च हो, चाहे एक्स टूल हो, चाहे ओटेल हो, और वो जेनेथ वेनेथ हो, व्हाटएवर, जो उनको बेचने वाले हैं उन्होंने उनके बथेरे बखान कर लिए। मतलब ऐसी कोई चीज नई नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं और जो ऑलरेडी आप लोगों को पता ना हो। वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कौन कितना निकम्मा है, कौन कितना ठीक है, क्या है क्या नहीं है। आज जो मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि तो बेसिकली जो ये बात हुई कि ये जितने भी ये आपके सामने ये टूल्स हैं, मुझे उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेंड्स, बात ये है, लेट्स गो बैक टू, थोड़ा पीछे चलते हैं 2018, 2019, 20, व्हाटएवर, और उस टाइम जो सबसे जो टेक्नीशियंस के लिए जो अफोर्डेबल टूल होता था, वो टूल होता था बिटवीन, जो रेंज होती थी 60 से 65 हज़ार के बीच में, वही एक वजह रही है, क्योंकि दूसरा कोई और टूल नहीं था, वही एक वजह रही कि प्रोलाइट बिका। प्रोलाइट फिर क्यों बंद हुआ, आई हैव नो आइडिया, बट चलो अच्छा हुआ जो बंद हुआ, और दोबारा उन्होंने रीलॉन्च करा, वो बुरी तरह से पिटा। ये ऐसे ही होता है, यू नो कंपनीज का जब दिमाग खराब हो जाता है और वो रीलॉन्च करती हैं अपने प्रोडक्ट को ये सोच के कि पता नहीं ये अफीम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तब तक कस्टमर जो हैं उनके पास 10 और नए ऑप्शन आ जाते हैं। यही एक वजह थी कि कोरोना के टाइम में जब हम लोगों ने एक्स टूल वगैरह को, चाहे उसमें तो बेसिकली यही एक वजह थी कि एक्स टूल विद ऑल इट्स प्रॉब्लम्स एंड व्हाटएवर नॉट, क्योंकि वो एक करेक्ट प्राइस रेंज में था, जो कि टेक्नीशियंस को, जो प्राइस कॉन्शियस टेक्नीशियंस हैं उनको बहुत भाया, इसलिए वो चला। और आज भी अगर हम उसको देखें, उस टूल को, वही मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि डेढ़ साल में अगर मैं किन इन सब टूलों में से देखता हूँ तो किसी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ना लॉन्च ने ऐसा कोई 70 हज़ार के सेगमेंट में, कोई 70-80 हज़ार के सेगमेंट में कोई टूल निकाला है जिसमें कि उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट की हो,
ना ही कोई जेनेथ ने निकाला है, वो तो खैर पता नहीं कौन से अपने मेंटल जोन में है गॉड नोस, ना आपके इन्होंने आपके ये एक्स टूल ने कुछ करा है, यू नो वो ही चीजें हैं जो 3 साल पहले थी, तो देर इज वो हाँ जी नंबर वन होंगे हम होंगे कामयाब एक दिन। चलो एनीवे से जो ओटेल है, ओटेल की अपनी जो वो है कि यू नो जो उनके बहुत ही ओवर प्राइस टूल्स हैं वो भी मतलब कितने लोग उसको अफोर्ड करेंगे और कितनी सेंसिबिलिटी है इतने लाखों रुपए का टूल लेने के बाद जिसने 1 साल के बाद यू नो कुछ नया आ जाना। सो बेसिकली आज जो मैं आपको दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने 65,000 रुपये तक का आप टूल देख रहे हो, मास्टर पड़ा हुआ है सब कुछ पड़ा हुआ है, मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं इस 65,000 के टूल में इसकी कोई मैं वो यू नो ये थिंग टू लाइट है एंड पहले इंट्रोड्यूस टूल है सब कुछ है, इसकी 3 ऐसी यूनिक चीजें हैं और वही ये 3 यूनिक चीजें इसमें इस सेगमेंट में 3 ऐसी यूनिक चीजें हैं जो दुनिया के किसी टूल में नहीं है। ओके, नंबर 1 इसमें प्रिंटर जो है वो अटैच आता है, ठीक है। नंबर 2 बाकी इसमें आपको वाईफाई या यू नो अलग अलग प्रिंटर से करना पड़ेगा, ये इसके पीछे लग जाएगा। नंबर 2 इस सेगमेंट में ये अकेला टूल है जिसमें 4 चैनल का आप ऑसिलो ले सकते हैं। ये मैंने ऑसिलो इसका कनेक्ट किया हुआ है, एज वी कैन सी अगर मैं आई गो इन टू दी कहाँ गया ये रहा ऑसिलो, सो वी हैव दी 4 चैनल का ऑसिलो है इसमें, तो 2 चैनल लो 4 चैनल लो लेकिन जो भी कर सकते हैं हम कर लेंगे। ओके, ऑसिलो है, ऑसिलो एक ऐसी चीज है कि जितने भी हाईफाई टूल्स हैं, हाईफाई का क्या मतलब है यार, ऑसिलो आज की डेट में जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं आपकी और उनका जितना फास्ट सेंसर डाटा है और जो कम्युनिकेशन डाटा है उसको ऑसिलो के बिना तो नहीं पकड़ा जाता, आई डोंट नो। बाकी आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा और जितने बाकी महानुभाव हैं जिनको लगता है कि मल्टीमीटर से काम हो जाएगा तो ऊपर वाला उनको सबुद्धि दे, बट एनी विच वे ऑसिलो एक आपका ये फंक्शन है, आपको एडिशनली एक बड़े रीजनेबल प्राइस में ऑसिलो मिल जाता है। द अदर थिंग, ये ऑसिलो तो आपको मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो इस मिड सेगमेंट में किसी और टूल में नहीं है, जो सबसे बड़ी एक चीज़ है वो है थर्मल डायग्नोसिस। अगर मैं ये थर्मल डायग्नोसिस पे आ जाता हूँ, ये रहा थर्मल इमेजर, तो ये रहा थर्मल इमेजर, ये रहा मेरा हाथ। ओके, सो ये आप ये देख सकते हो, सो ये जो स्क्रीन है इतने बड़े स्क्रीन का अगर आप फ्लर का या कोई और ऐसा थर्मल इमेजर इतने बड़े स्क्रीन का लेते हो तो माय फ्रेंड्स वो कम से कम मेरे ख्याल से 60,000-65,000 रुपये का आएगा, टॉप डाउन का या किसी का और किसी का, और वो अलग सा है। ओके, वो अलग से आपको लेना पड़ेगा, इसमें आपने एक अटैचमेंट लेनी है, आपके टूल में आपने अटैच करना है एंड यू आर गुड टू गो। अब इसमें ये जो थर्मल इमेजर है और जो ये अटैचेबल थर्मल इमेजर है ये दुनिया में और किसी टूल में नहीं है, सिर्फ थिंक कार के अलावा किसी भी टूल में, थिंक टूल के अलावा, थिंक कार कंपनी के अलावा किसी भी दुनिया के टूल में नहीं है, ना लॉन्च में है ना ओटेल में है, और ये बाकी तो जो यू नो लल्लू पल्लू है इनका नाम लेना ही बेकार है, जब जो इतने बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को मानते हैं उनसे आज तक ये इंटीग्रेट नहीं हुआ। और मैं आज ये कोई बात नहीं कर रहा हूं जैसे कि बोरस्कोप हर टूल में दे दिया है, TPMS हर टूल ने दे दिया है,
और यू नो ब्लूटूथ बैटरी टेस्टर्स एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोई यूनिक चीज नहीं है। यूनिक इसमें तीन ही चीजें हैं इस 65,000 रुपए के टूल में। आपका प्रिंटर आपको ओई मतलब पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट आता है, आपका ऑसिलो एट अ बहुत रीजनेबल प्राइस आपको 4 चैनल का इसमें आप ले सकते हैं, और जो थर्मल इमेजर है वो साथ में आता है। थर्मल इमेजर की बात ये है कि इसके ऊपर जितनी हम लोग, क्योंकि यहाँ पे थर्मल इमेजर हमारे इस मुल्क में है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वगैरह में हम लोग जो ओवर हीटिंग और तारे गर्म होना और यू नो इंजन्स गर्म होना, बैटरीज गर्म होना एंड एवरीथिंग, हम लोग अंदाजे ही लगाते रहते हैं। यू नो हम लोग उसमें कोई, हमारे पास डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट नहीं है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के अच्छे रिपेयर करने वाले हैं, जो भी उसमें यूज करते हैं लोग, चाहे वो यू नो हाई फाई ये मोबाइल फोन्स वगैरह हुए, वड़ेवर, बिना थर्मल इमेजर के उनका काम ही नहीं चल सकता। सो रियली इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बादशाह है। दूसरा, जो अगर आपने आगे जाके, और जो कि आपको आना ही पड़ेगा यार, आज नहीं आओगे कल आओगे, हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ईवी, उसमें अगर आप ये सोचते हो कि थर्मल इमेजर के बिना आपका काम चल जाएगा, भूल जाओ। ओके क्योंकि जो हीट मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है, और हीट मैनेजमेंट हमारे को हर लेवल पे करनी पड़ती है। ओके एंड सो बेसिकली मैं आपको इस टूल को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, रीइंट्रोड्यूस तो नहीं मैं कहूँगा, इसकी मैं एक रिप्रेजेंटेशन, दोबारा एक प्रेजेंटेशन आपको दे रहा था इसी के ऊपर कि इस प्राइस रेंज में मुझे अच्छी तरह, मैंने इसकी R&D करी है इन टूल्स की, ऐसा कुछ नहीं है, और इन 65,000 रुपये में मुझे पूरी दुनिया में कोई ऐसा टूल नहीं दिखता जो इतने फीचर्स के साथ आता हो। बाकी डायग्नोस्टिक वगैरह की तो आई थिंक हर एक ने ये वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत सारी बनी हुई हैं, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लेकिन जो इसके यूनिक फीचर्स हैं, जो USPs हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। आई होप ये वीडियो जो है, क्योंकि और ये उन लोगों को एक सजेशन मेरा है कि जो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने 2020 में लिया, मेरे को अपग्रेड करना है, ये एक टूल है जिसको आप बहुत एक्टिवली कंसिडर कर सकते हो। जिन्होंने नया टूल लेना है, ये टूल है, आप उसको आपने बजट में लेना है, इसको बहुत एक्टिवली कंसिडर कर सकते हो। ये आपको हर चीज़ करके देता है। ओके जो आपका ये लॉन्च प्रो वॉट एवर 4 5 वॉट एवर जो भी है, प्रो 4 4.0 समथिंग समथिंग, और ये जेनेथ तेनेथ एंड ये एक्स टूल जो भी ये करते हैं, और इवन ओटेल का जो 80-90 हज़ार तक का टूल है, 906 BT VT वॉट एवर, तो शायद 1.25 लाख का है वो, बट वॉट एवर, तो जो वो करते हैं ये करता है। और उनमें थर्मल इमेजर का ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं है, अटैच प्रिंटर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली मेरा जो यू नो आई कीप प्रेजेंटेशन यहीं तक। और जाने से पहले कल जो एक मेरे फ्रेंड ने एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक उसके बारे में उन्होंने ये पूछा था कि सर कौन सा जो सेंसर है वो कैलकुलेटेड लोड को बताता है। तो माय फ्रेंड, आपका जो क्वेश्चन है ना वो इतना सिंपल है, तो बड़ा आपने सिंपल सा पूछ लिया है, लेकिन वो एक्चुअली बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वो है। तो आई विल मेक अ शॉर्ट 5-1 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो कैलकुलेटेड लोड है, आप पहले इस बात को तवज्जो में रख लीजिए, कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मीन्स जो ECM में कैलकुलेट कर रहा है, तो वो एक सेंसर से तो कैलकुलेट करेगा नहीं। तो वो अगर आप बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से सेंसर हैं जो प्ले में आते हैं, तो वो एक लंबी वीडियो बनेगी, तो वो एक थोड़ी सी डिटेल में आपको बना के ऊपर अपलोड करूंगा। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, चेयर्स, टेक केयर, बाय बाय।